हैप्पी 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 न्यू ईयर मेरे तरफ से आप सबको बहुत 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 बधाई हो नए साल की, और आशा करती हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे, जो आप चाहते हैं वो हो जाए, और बस सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। आज मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉगिंग करने का, पर फिर मैंने सोचा करनी चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। हर साल ना हम 31st पे पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स फैमिली आते हैं और हम पार्टी करते हैं, और वो पार्टी अगले दिन तक चलती है, मतलब 1st of Jan। और आपका जो 1st of Jan जो पहला दिन है साल का, वो ऐसे गुजरता है मेरा आधी नींद में, बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होता। तो इस साल मैंने सोचा नहीं, कुछ चेंजेस करने चाहिए, और अगर आपको चेंज लाना ही है नए साल में तो पहले दिन से लाना चाहिए, है कि नहीं। बस तो मैं टाइम पे उठी, पहले टाइम पे सोई, फिर टाइम पे उठी, फिर मेडिटेट किया, योगा किया, सब कुछ करने के बाद मैंने सोचा आई शुड व्लॉग। तो मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि ये आज ही, कोशिश नहीं, आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि ये व्लॉग आज के आज मैं अपलोड कर दूँ और आप आज ही देख पाएँ। क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट, अगर मैंने 1st of Jan को ये रिकॉर्ड किया है तो आई शुड अपलोड इट ऑन 1st of Jan, दैट इज न्यू ईयर। तो बस मैंने सोचा ये सब आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आई वॉज सो हैप्पी टू डू दिस, टू वेक अप ऑन टाइम, टू मेडिटेट, बस इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आई ना मेरे अंदर, और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आया। देखो, ग्रेटफुल तो मैं हमेशा ही होती हूँ, आई एम अ वेरी दैट वे, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल होती हूँ, हमेशा थैंकफुल होती हूँ। इनफैक्ट एक जर्नल भी मेंटेन करती हूँ, जहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें लिखती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, छोटी से बड़ी चीज़ लेके, ऑलिव के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी फैमिली सब खुश है और हेल्दी है उसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं, तो मैं अपने आप खुश और हैप्पी रहूँगी। होता है ना कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपकी वीकनेस भी होते हैं और स्ट्रेंथ भी होती हैं, तो बस उनके लिए ग्रेटफुल थी, अपने आप के लिए ग्रेटफुल थी कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और एक आई थिंक आई फील कि मैं, मेरे कल से जो मैं आज हूँ, आई एम अ बेटर पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग बेटर और समझदार बाय द डे। और क्या चाहिए यार, हम यहाँ पे और किसी चीज़ के लिए नहीं है, बस इसके लिए ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, शायद आप ये बातें सुन के शायद आप भी थोड़ी बहुत ही चेंजेस लाएं अपनी लाइफ में, या अगर आपके पास कोई अच्छी कोई टिप हो मेरे लिए जो मुझे और कुछ करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो कि आपका 31st कैसा गुजरा, आपका 1st कैसा जा रहा है या चले गया, और आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। देखो, मैं ना कोई बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशंस कभी नहीं करती, इनफैक्ट करती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ चेंजेस लाने अपनी लाइफ में, तो आप कभी भी ला सकते हो, यू कैन डू इट लाइक कभी भी। यार आज दोपहर से मैं ये सोच सकती हूँ कि मैंने ये करना है, तो मैं कर सकती हूँ, है ना। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे बस गिने चुने कुछ चेंजेस मैं लाना चाहती हूँ लाइफ में। पहला है मेडिटेट मोर, दूसरा मैं रीडिंग करती थी और मैं काफ़ी रीड करती थी, अब मैंने बंद कर दिया, नॉट गुड, तो वो आई नीड टू स्टार्ट दैट एंड रीड रेगुलरली। दूसरा तीसरा वही है जो हर साल हम, आई थिंक सब ये सोचते हैं कि हम हेल्दी खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, तो मेरा भी वही है कि हेल्दी थोड़ा ट्राई करेंगे खाने के लिए। बस मैंने सोचा ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर लिया जाए। आई नो ये बहुत कोई एंटरटेनिंग वीडियो या कुछ नहीं है, बट अगर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है और आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, तो आई थिंक ये सब भी मुझे शेयर करना चाहिए, आई शुड, बिकॉज इससे इंसान के बारे में पता चलता है कि वो कैसे सोचता है, वो कैसा है, ऑल ऑफ दैट।
आई रियली होप जैसे मैंने अपना 2022 स्टार्ट किया है ये ऐसा ही रहे और हम सेफ रहें सारे, और ये जितने भी वेरिएंट्स हैं और ये जितने भी वायरसेस हैं ये चले जाए दुनिया से और हम सब सेफ रहें, हमारी फैमिली सेफ रहे, हेल्दी रहें। सो आई रियली रियली प्रे फॉर दैट। और आपके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जितना। थैंक गॉड, पता है मैं बोलती जा रही थी और वीडियो बंद हो गया था। थैंक गॉड कि मैंने देख लिया। मुझे रेड लाइट होती है ना, वो पुप पुप करना बंद कर दिया था उसने तो। रियली ने तो मैं बोलती रहती और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होता और मैं एडिट करना चालू कर दिया होता, फिर मुझे बड़ा बुरा लगता और शायद मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती। तो जो होता है आई थिंक अच्छे के लिए होता है, पता लग गया मुझे। सो मैं किधर थी मैं भूल गई हूँ, बट बस एक, हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ आप ग्रेटफुल रहिए आपके सराउंडिंग्स में, जो जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आपकी वर्क लाइफ के लिए, हर एक चीज़ के लिए। बट हाँ एक और चीज़ के लिए, अपने लिए भी, आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपकी लाइफ में, जो आपने स्ट्रगल्स झेली हैं या झेल रहे हैं, या जो कुछ भी जहाँ पे भी आप लड़े हो या खड़े हुए हो, उस सब के लिए आप अपने आप के लिए, अपने विल पावर के लिए थैंकफुल होइए और बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड टैप योर बैक्स एंड जस्ट स्टे स्ट्रांग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड आई रियली रियली होप कि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के अपनी लाइफ का थोड़ा सा कुछ पहलू दिखा सकूँ। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो। अब मेरी बैटरी भी लो रही है कैमरा की, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ।